अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस। आज विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आठ कार्य दिवस सह न जाए चलो गृह कार्य सरकार को टार्गेट पर विरोधी हाथ में मालमाल प्रसंग गृहरे उठे पारे मरुड़ी सार अभाव आईन श्रृंखला कथा केबे चेरा हेबे आईन मंत्री प्रताप जेना महांगा डबल मर्डर घटनारे मंत्री को तदंत परिसरभुक्त करिपाकु रहिछि कोर्ट को निर्देश मंत्रिमंडल बहिष्कार दाबी रखिछि बीजेपी इस्तफा नदेले विधानसभा प्रतिपात्र चेतावनी राज्य में 24 घंटे 719 पॉजिटिव 53 मृत्यु खोर्धारु सर्वाधिक 269 आक्रांत आज सारा राज्य में नुआ कोविड गाइडलाइन लागू सेपटे श्रद्धालु खोलला लिंगराज द्वार थरे 100 भक्त दर्शन करें आज स्वामी प्रभुपाद जयंती इस्कन प्रतिष्ठाता श्रीला प्रभुपाद 125वां जन्मवार्षिकी स्वतंत्र कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करेंगे नुआ 125 टंकिया कॉइन रो उन्मोचन विश्व कृष्ण भक्ति और शिक्षार प्रचार में थी बड़ अवदान कोरापुट पटांगी में संकट में ओडिशा सीमा नंदपुर ब्लक 18 गांव पर आंध्र कब्जा मैप और वास्तवत नहीं तालमेल स्कूल आरंभ कर तहसिल ऑफिस निर्माण कर ग्राउंड जीरो टीमर्गस बाप एक नंबरी पु 10 नंबरी मानस दासों नारे आउ तीन हत्या अभियोगर तथ्य शख उहाड़े दागे बापा पु हत्या अभियुक्त शरण में बीजेडी हेवी वेटे हाथ मारिपा को साहस करूनी पुलिस कार्यानुष्ठान दाबी जिलापालों ऑफिस खेलिले 10 आदिवासी संघ एनएमपी को नहीं प्रश्न उठाऊ विरोधी को अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देश में हित काम करुछि मोदी सरकार योजन प्रतिवर्ष 1.5 लाख कोटी टंका उठाइबा को लक्ष्य आज संपूर्ण खबर को आज विधानसभा मौसुमी अधिवेशन 8 कार्य दिवस सह 9 तारीख पर्यंत चलो अधिवेशन प्रथम दिन में 7 बिल और गोटे अध्यादेश गृह में उपस्थापन हो स्वल्प कालीन एक अधिवेशन में सरकार आणवे 12 बिल पंचायत आईन संशोधन बिल सह अन्य किछि बिल गृह में अनुमोदन आगत हो पारे विधानसभा अधिवेशन कम थिले गृह सरगरम होगा निश्चित प्रथम दिन शासक और विरोधी मुहांमुही हेबे तीन दलर होता विधायक दल बैठक संकेत मिली विरोधी हाथ में मालमाल प्रसंग ताबे मुख्य विरोधी दल बीजेपी और कांग्रेस राज्य सरकार को टार्गेट करते किसी प्रसंग सामान ताबे विरोधी दलर स्वर एक हेले सरकार अड़ुआ पड़पारती ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित दिव्यज्योति महांती रिपोर्टर जोड़ी होती दिव्य आज मौसुमी अधिवेशन आरंभ होते निर्धारित समय रही मुख्यतः विरोधी पाखे कौन प्रसंग रही सरकार केते प्रस्तुत अच्छा देखो माधुरी आउ किसी समय पर 16 विधानसभा सप्तम अधिवेशन अर्थात मौसुमी अधिवेशन आरंभ जहाँ विधानसभा कार्यसूची रही प्रथम दिन में आज प्रथमे बाचस्पति गार्ड ऑफ ऑनर दिया जिबो एवं जेतो गृह कार्य आरंभ हो सेय समय रे गृहर जो मान दिवंगत नेता रहिसेंती 10 जन विभिन्न जो मैंने पदपदे रही जहाँ देहांत होइछि समानक उद्देश्य रे शोक प्रस्ताव आगत हो जो मैंने कोविड समय रे कठिन परिस्थिति भितर काम कर प्राण हरिंग समानक उद्देश्य शोक प्रस्ताव आगत हो समय मुख्यमंत्री जी गृहर नेता रही सहित विरोधी दल पक्ष विरोधी दल उपनेता और कांग्रेस विधायक दल नेता एवं बाचस्पति समस्ते अभिभाषण रखिए वक्तव्य रखिए और गृह कार्य को आरंभ कर प्रथम प्रश्नकाल रही प्रश्नकाल 6 विभाग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रही जो थे रही आप देखिए कृषि और कृषक सशक्तिकरण समवाय विभाग खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण विभाग एवं अन्यपटे देखिए विद्यालय गणशिक्षा विभाग यही 6 गुरुत्वपूर्ण विभाग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रही विधायक मैंने प्रश्न करेंगे मंत्री मैंने उत्तर रखिए यापर आप देखिए शून्यकाल रही शून्यकाल विभिन्न प्रसंग सामना को आसवा रही आज मुख्यतः प्रथम दिन में गृह बे सरगरम हो विरोधी गोटे प्रकार सरकार घेरवा को रणनीति प्रस्तुत करते विशेषकर आज प्रथम दिन चाषो चाषी प्रसंग नहीं गृह बे सरगरम हो
जहाँ संकेत मिलूँ आप देखु आज बीजेपी पक्षर गोटे मुलतवी प्रस्ताव दिखाई राज्य में मरुड़ी स्थिति उत्कट हो राज्य सरकार जो सारा राज्य आज मरुड़ी स्थितर कलबल हो शीर्षक मुलतवी प्रस्ताव दिखाई जहाँ को नहीं विरोधी उभय कांग्रेस एवं बीजेपी विधायक दल बैठक में रणनीति प्रस्तुत करते सरकार घेरिबे राज्य में कि भाव मरुड़ी स्थिति उत्पन्न हो राज्य सरकार योजना प्रस्तुत कर विफल होती एसब प्रसंग नहीं क्यों ना कौटी अड़ुआ आज पड़े विभिन्न मंत्री मैंने शासक दल काउंटर आटाक संपूर्ण प्रस्तुत रही सार केन्द्र सरकार जोगाई देना से प्रसंग नहीं आज गृह बेस तुम्भी तोपार करेंगे शासक दल विधायक मैंने जहाँ सूचना मिलूँ एवं आउ गोटे कथ आप देखिए आज प्रथम दिन में देखिए सात सतटी बिल को गृह में उपस्थापन हो गोटे अध्यादेश को उपस्थापन होती भाव में आज प्रथम दिन में बेस सरगरम रहा गृह एवं अन्यपटे जदि विरोधी जो रणनीति प्रस्तुत होती आप नजर पकाइबे विशेषकर बीजेपी हाथ में लंबा तालिका रही सरकार घेरिया जदि देखिए एससीएफ सौम्य रंजन जो मृत्यु को नहीं जो रहस्य रही विशेषकर से मंत्री विक्रम केसरी आरुख छंदी होती अंपटे महांगा डबल मर्डर घटना और सारा राज्य में आवास दुर्नीतिर जो फर्द सामना को आसू से मंत्री प्रताप जेना और अंपटे समवाय दुर्नीति मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वईं यह कैबिनेट बा राज्य मंत्रिमंडल पाखापाखि सात जन मंत्री बर्तमान बिवाद घेर अच्छा नहीं क्यों ना क्यों विरोधी सरकार घेरिबे और प्रश्न करेंगे जहाँ को नहीं सरकार बर्तमान अड़ुआ पड़िया भाई मन हो सरकार अर्थात शासक दल क्यों ना क्यों काउंटर आटा प्रस्तुत होते जो विधानसभा आरंभ हो जाना पड़े जे विरोधी आभिमुख्य कौन रोचे विरोधी क्यों प्रसंग आज उठाऊ शून्य काल में जो प्रसंग उठब ता सबुठ गुरुत्वपूर्ण बोली कहुच्च चाष चाषी प्रसंग को नहीं जदिओ संकेत मिलूँ तेज आउ कौन सब प्रसंग उठूर निहत राज्यवास नजर रही माधुरी किंतु दिव्य समस्त तो प्रस्तुत ये विरोधी दल भी प्रस्तुत और शासक दल भी प्रस्तुत किभली सामना करेंगे ये सब को किभली सामना कर उत्तर पाई मंत्री माने प्रस्तुत किंतु जो प्रसंग एवं मुख्य प्रसंग पलटि मानस दास जी भंड गुरुजी रही पूरा हुलस्तुल हो खबर को नहीं से प्रसंग उठब कि ना देखु पांच छोटी प्रसंग वर्तमान राज्य में बहुचर्चित घटना बहुचर्चित प्रसंग हो रही लोकलोचन को आसी लोक वर्तमान सरकार को नजर रही सरकार ये प्रसंग में सब कौन आभिमुख्य नौकर प्रथम घटना गत एक मास धरी राजधानी पाखरे बेगुनिया बोलगोटे जो भाव में जड़े निजक आध्यात्मिक गुरु निजक बाबा बोली कहता जड़े लोक मानस दास विरोध में जो अभोग आसूसी से लोक मानक जोर जबरदस्त संगठन मिसाइप बाध्य करते अत्याचार करते यही अनेक अभोग रही हत्या अभोग रही केस होते पुलिस एपर्त गिरफ्त करना जहाँ को नहीं पुलिस प्रशासन गृह विभाग उपर वर्तमान समस्त प्रश्न सृष्टि से दृष्टिकोण मंत्री दिव्यशंकर मिश्र उपर समस्त नजर रही मंत्री दिव्यशंकर मिश्र कौन प्रकृत में आक्शन ने जहाँ विरोधी हंगामा करेंगे अंपटे मुझक जमी आउ दुई तीनो मामला कहती जमी एसएफ सौम्यरंजन मृत्यु घटना और अंपटे महांगा डबल मर्डर और जो रही आवास दुर्नीति लेकिन मंत्री प्रताप जेना विरोधी घेरिबे और मंत्री कौन आभिमुख्य रोचे मंत्री किभली भाव में बर्तुच्चर समस्त नजर रही अंपटे समवाय बैंक दुर्नीति आपड़ जानते आठगढ़ जो गुरुझाटिया समवाय बैंक दुर्नीति तार चेर समग्र राज्य में लंबी यार धीरे धीरे पर्दाफाश होता खोद शासक दल विधायक मैंने जो बैठक चलता विभाग बैठक चलता से समय शासक दल विधायक ध्रुव साहू और अंपटे वरिष्ठ विधायक जी रही शशिभूषण बेहरा से एक उत्थापन कर राज्य में समवाय बैंक र दुर्नीति चेर चारिड़े लंबी ए प्रसंग को विरोधी होहाला करेंगे जो शासक दल नेता कहते समवाय विभाग व्यापक दुर्नीति हो मंत्री भाई ना आरोप रही मंत्री भाई ये दुर्नीति लिप्त अच्छा निहाती भाव में सरकार क्यों ना क्यों अड़ुआ सृष्टि सात सात जन मंत्री बर्तमान अड़ुआ अच्छा जदि आम लिस्ट देखा रणेन्द्र प्रताप स्वाई हूँ विक्रम केसरी आरुख हूँ प्रताप जेना हूँ अरुण साहू हूँ सुधा मारांडी हूँ कि जलसेचन मंत्री रघुनंदन दास हूँ और दिव्यशंकर मिश्र हूँ यही सात सात जन मंत्री वर्तमान विवाद घेर अच्छा से कार्यकलाप को नहीं बिवाद मुंड टेकवा लगी परिस्थिति में सरकार शासक दल किभली रणनीति प्रस्तुत करते विरोधी काउंटर आटाक करने निहत तो नजर रही है कितु गत काली जहाँ शासक दल रणनीति प्रस्तुत करजेर जो विधायक दल बैठक होता
सेठी मुख्यमंत्री निर्देश देते जे समस्त विधायक गृह उपस्थित रहिबे जेहेतु विरोधी हाथ में लंबा प्रसंग रही विरोधी हाथ में अनेक गुड़े प्रसंग रही समस्त विधायक गृह में उपस्थित रहने मुख्यमंत्री कहते एवं रणनीति प्रस्तुत केन्द्रीय अवहेला को पुणि थे गृह उत्थापन विभिन्न प्रसंग में केन्द्रीय अवहेला कथ को पुणि थे बीजेडी दोहर क्योंना क्योंकि केन्द्रीय अवहेलार नारा दे बीजेडी ए सबू जो आरोप आसीबो अभियोग आसीबो सेतर बर्ती जाय वर्तमान चेष्टा करूची किंतु जहाँ वर्तमान समस्या रही तीन चारोटी समस्या पर राज्यवासी नजर रही गोटे होची एससीएफ को मृत्यु रहस्य अन्यपटे जो भंड बाबा बा आत्मघोषित बाबा जो कलाकारनामा रही सरकार कौन आक्शन रोचे अन्यपटे मरुड़ी स्थित नहीं सरकार कौन आक्शन प्लान रही वर्तमान जो भाई व्यापक स्थिति वर्तमान उपजुची मरुड़ी नहींक्री एवं सारर अभाव बिक्री व्यापक परिचालन त्रुटि रही सार जोगाइबार सरकार विफल होती जी सार आसूची ताकि लोक मैं पहुँचा जा पारे ये अभोग रही सहित अन्य जो आवास दुर्नीति कथा हो महांगा डबल मर्डर घटना हो कि संभाव्य बैंक दुर्नीति हो लंबा तालिका रही विरोधी पाखे से गृह उत्थापन करेंगे एवं शासक दल यहाँ काउंटर आटाक जो प्रस्तुत करते सफल विरोधी प्रसंग में केते सफल होती यह निहाती भाव समस्त आलोचना विषय होने विरोधी दल क्यों प्रसंग सामना को शासक दल के प्रस्तुत रही काउंटर आटाक बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य तमाम सूचना आज राजधानी में खोलला श्री लिंगराज मंदिर कोरोना कटकणा मानि मंदिर में महाप्रभु लिंगराज को दर्शन करुछन्ते श्रद्धालु संपूर्ण कोविड कटकणा मानि मंदिर में दर्शन जारी रही मंदिर को दर्शन करने को जाउथिबा श्रद्धालु मानंक पाई डबल डोज टीकाकरण सर्टिफिकेट और कोविड आरटीपीसीआर रिपोर्ट को बाध्यतामूलक करा जायछि सेपरि मंदिर को रोगाक्रांत वयस्क गर्भवती 18 वर्षरु कम श्रद्धालु प्रवेश कटकणा रही सेपरि मंदिर में थरके 100 भक्तों को दर्शन पाई अनुमति रही बाबद्र अधिक सूचना सहित रिपोर्टर चिन्मय साहू जोड़े रही चिन्मय आज श्री लिंगराज मंदिर खोली दर्शन व्यवस्था किभली रही एसओपी कौन कौन रही निहत भाव माधुरी जी कहीपर आज प्रभु लिंगराज मंदिर खोली भक्त मैंने सका दर्शन करपू सीधा फल दृश्य देखा चाहिए जो मैंने मंदिर भितर को आसुच्च से डबल डोज नहीं थे सर्टिफिकेट देखते आर टी पी सी आर टेस्ट जो मैंने करते रिपोर्ट देखापुर मंदिर भितर को जाऊँच जो मैंने 18 वर्ष तलू जो पे अच्छा जो मैंने गर्भवती महिला मैंने अच्छा से मंदिर भितर को प्रवेश अनुमति दि जाए ना तो सकालर दृश्य जहाँ थी अल्प अल्प लोक मंदिर भितर को आसुच्च एवं श्रृंखलित भाव में दर्शन कोविड गाइडलाइन कथा जदि कहबा कोविड गाइडलाइन अनुसार से मतलब सोशल डिस्टेंस अच्छी मास्क अच्छी एवं मंदिर को जीवा पूर्व से जो चेकिंग करा थर्मल स्कैनिंग सानिटाइजर यूज करुँचर मंदिर भितर को प्रवेश करुँच ठीक जदि कहबा लोक पाखापाखि 4 मास मंदिर खोली लोक मितर उत्साह देखा मिलूँ जो मैडम अच्छा मैडम एत दिन पर मंदिर आते खुशी बहुत खुशी अच्छी दर्शन कले आज्ञा कौन सब नियम कटक कटक भितर जे मैंने भैक्सीन नहीं सीए से मैंने ही अलाउ हो छोट छुआ को तो भितर को अलाउ ना 60 वर्ष रु भी जो क्रॉस कर जाए से मैंने भी अलाउ ना भितर को तो आम जा ठाकुर को दर्शन कर माधुरी जो भक्त मैंने आस डबल डोज नहीं टीकार सर्टिफिकेट देखा जो मैं आरटीपीसीआर टेस्ट होवल रिपोर्ट देखे मंदिर भितर को जाऊँ दर्शन करुखुरु भाव में जी कह आज लिंगराज मंदिर में दर्शन चली माधुरी ओके जो मैंने दर्शक जो मैंने रही दर्शक मैंने आसुच्च श्रद्धालु मैंने जो मैंने आसी मंदिर दर्शन करने रिएक्शन कौन आसूँ के उत्साह रही जी कह माधुरी से भितर से बहुत खुशी अच्छा दीर्घ 4 मास दर्शन करार सुजोग मिली 4 मास दर्शन करुँच जी कह प्रथम पर्यायर दस जन करर को छड़ा जाऊँगी पखापाखि गोटे दिन में 100 जन जा मंदिर भितर दर्शन करेंगे जार व्यवस्था रही सहित जी कहपर कोविड गाइडलाइन को समस्ते ठीक भाव में पालन करुँच जहाँ नियम कर जो कटक मानवे से जगह से कार्यानुष्ठान निजी से लोक मैंने सचेतन अच्छा
आम जहाँ देखुचु लोक मानते सोशियाल डिस्टान्स अच्छा समस्ते मास्क पिंधुं निज निजर सर्टिफिकेट कोविड नहीं टीकार सर्टिफिकेट धरिकी आसुचं सुरखुरु भाव में मंदिर दर्शन करके जाके चिन्मय सुरक्षा व्यवस्था को किभली देखुं पुलिस प्रशासन सेठे कि मुतयन कर निहत भावे जदि कह पुलिस प्रशासन पक्षर स्वतंत्र व्यवस्था कर भितर को प्रवेश करने भितरपटे जदि कह गए स्वतंत्र ब्यारिकेड्र व्यवस्था कर जो मैंने भितर को आसबे प्रथम से निजर नहीं टीकार सर्टिफिकेट देखेबे एवं जदि कह से जो जदि आरटीपीसीआर टेस्ट कर तार देखेबे आप सीधा साल दृश्य देखिपे आठार थर्मल स्कैनिंग जदि कह सहित मास्क पिंधुंट सानिटाइजर को मुख्यतः चेक कर सानिटाइजर दि जा थर्मल स्कैनिंग करापर दस दस जन कर मंदिर भितर को प्रवेश कर सुरखुरु भाव में भक्त मैंने दर्शन कर ओके दर्शन दर्शन जो मैंने करने को आसी तो कोटि कोटि श्रद्धालु मैंने बेस उत्साह रही जेहेतु दीर्घ दिन पर दीर्घ मास पर आज प्रभु श्रीलिंगराज मंदिर खोली बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय आपंकर तमाम सूचना केबे जेरा हेबे आईन मंत्री प्रताप जेना महांका डबल मर्डर घटन मंत्री को जेरा केबे मंत्री को तदंत परिसरभुक्त करने कोर्ट रही निर्देश मंत्री को मंत्रिमंडल बहिष्कार दाबी रखी बीजेपी इस्तफा नदे विधानसभा प्रतिवाद चेतावनी देछि बीजेपी आईन मंत्री प्रताप जेना बहिष्कार दाबी रे बीजेपी रे हलाबो राजधानी रे पुलिस और बीजेपी कर्मी धस्ताधस्ती महांगा डबल मर्डर घटन मंत्री को तदंत परिसरभुक्त करने कोर्ट का निर्देश पर मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल बहिष्कार करने जेरा करने को दावी कर दल तेब मंत्री इस्तफा नदे प्रसंग को नहीं विधानसभा जोरदार प्रतवाद विरोधी दल उपनेता विष्णु सेठी विलंब तथापि आम निश्चित भाव आश्वस्त हो न्यायपालिका एक मामलें पीड़ित को निश्चित भाव न्याय देने हाउस रे एकाधि बार यही प्रसंगे बराला हत्या मामला को आम हाउस ट्रलिंग कर आज भारतीय जनता पार्टी युव मोर्चा तरफ राजस्ता को ओह्लैचु एभली एक आईन मंत्री जी राज्यर आईन मंत्री आईन श्रृंखला आईन को लोक मान आईन सहायता दवा कथा से निजे आज दोषी होती दोषी की माने तांकु भी घंट घोड़ाऊ सरकार तार प्रतिवाद रे युव मोर्चा आज गर्जुची राजरास्ता को ओह्लैसी मंत्री प्रताप जेना तुरंत इस्तफा देवाई बाध्य नचे मंत्री पदर बहिष्कार करने आम दाबी करूँ महांगा विधायक तथा आईन मंत्री प्रताप जेना महांगा डबल मर्डर घटन तेरह नंबर मुदाला चार्जसीट रु मंत्री ना काटी बिवाद को आसी महांगा पुलिस कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल हत्याकांड घटन प्रताप को सीधा सीधा संप्रति नहीं अभियोग आनी कुलमणि पु रमाकांत बराल सत्य दिन उन्मोचित हम जो आसामी मंत्री थे प्रताप जेना ना को स्थानीय पुलिस चार्जसीट ना काटि तेणु काटवर कारण होता जेहेतु से आईन मंत्री अच्छा से प्रभावित करते भी प्रभावित करेणु जहाँ आम न्यायाधीश विश्वास अच्छी न्यायपालिका पर मोर विश्वास अच्छी आम शेष पर्यंत न्यायाधीश भरोसा रखु और न्याय लड़बू केबे जेरार सम्मुखीन हे मंत्री प्रताप जेना केबे मंत्री प्रताप जेना को सानी तदंत परिसरभुक्त कर महांगा पुलिस आबे खोद मंत्री प्रताप जेना और तक पीए बापी विश्वास मोबाइल कल जांच कर पुलिस ताक नहीं उठी बड़ प्रश्न सेपटे घटनार दुई नंबर मुदाला प्रफुल्ल विश्वाल सन्देहजनक मृत्यु होगा घटना को आहरी सन्देह घर को टाणी नहीं आम सब बड़ कथा से फोन बर्तमान पुलिस पाखे अच्छे प्रफुल्ल विश्वाल से फोन को तदंत परिचित करी को मैंने सागर कथा होते मिलजिव कितु पुलिस चार्जसीट कहला मंत्री फोन रू मिलला अरे मंत्री पाखे जो बापी विश्वाल था आम डायरेक्टली कही फोन रेकर्डिंग कराऊ पुनर्बार जो बर्तमान दिग्त परिचित नापी से किपर भाव लॉ मिनिस्टर रही है से नैतिक दृष्टि इस्तफा दिंतु मान्यवर मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विदा करूँ जहाँफल स्वच्छता प्रकाश पाइब सत प्रकाश पाइब इस्तफा नदेबा नदबा मुख्यमंत्री पर निर्भर करे किंतु प्रॉपर्ली इनक्वायरी करा जाओ जदि से इनवॉल्व थे दंड पाइब कांग्रेस आम दाबी कर भल भाव गोटे जुडिशियल इनक्वायरी हो
ଯଦି ସେଥିରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ତାଙ୍କୁ କାଢି ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା କଥା ଉଠାନ୍ତୁ, ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ସରକାର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଯାହା ଥିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଆଇନଗତ ଭାବରେ କରିବା କଥା କରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ମହାଙ୍ଗା ମାଟି ହୋଇଥିଲା ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ, ଗଡ଼ିଲା ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ଓ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ବରାଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଲେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ହେଲା ହୋହାଲ୍ଲା। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିକେ ଜେନା ଆସିଲେ ବିବାଦକୁ, ଆଉ ଏହାପରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କଟିଯିବା ଏବେ ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସକୁ ଛିଡ଼ା କରିଛି କାଠଗଡ଼ାରେ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହୁବଳି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରରେ ବିରୋଧ, ପୋଷ୍ଟର ଚିରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁରମାଲା ଅଞ୍ଚଳ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରି ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବିରୋଧ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁରମାଲା ଅଞ୍ଚଳ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଷ୍ଟର ମାରି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମୟରୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପାଇଁ ବିରୋଧ ଭାସ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ନବ ଦାସ ବୁରମାଲକୁ ଆସୁଛି, ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବ୍ୟାନର ତ ଆମର ରେଡ଼ି ଥିଲା, ଆଗରୁ ବି 2 ଥର ସେମାନେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବ୍ୟାନର ରେଡ଼ି ଥିଲା, ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇଲୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦରେ। ନବ ଦାସ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ ଆସି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେଠାରେ ବ୍ୟାନରକୁ ଫାଡ଼ିଲେ। ଏଟା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଇସୁ ଆଉ ମୁଦା ଓ ସତ୍ୟକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଭୀତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ ରାଜ ଚାଲିଛି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଡରିକି ଭୟଭୀତ ହେଇକି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଚିରୁଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଚିରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ମାଣଟା ଆଉ ନୂତନ ନିର୍ମାଣଟା ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବେ, ୟାଠୁ ଆହୁରି କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବେ। ପାରଳା ଖେମୁଟି ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଜେରା ହେବେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ। ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ପଚରା ଉଚରା, ଆଜି ଉଦଳାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା ବେଳେ 2 ମହିଳା ସହାୟତା କରିବେ, କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ୱିଙ୍ଗର 2 ମହିଳା ସହାୟତା କରିବେ। ଜେରା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜେରା ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସୂଚନା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବି ପଚରାଉଚରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପାରଳ ଖେମୁଟିରେ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା ସହ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଆଜି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ, କେତେବେଳେ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, କୌଣସି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାତୃଜୀ, ତ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟଣା କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଚାଲିଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ତ ପାରଳା କେମିତିରେ ଇଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ସମସ୍ତ ମାନେ ପଚରା ଉଚରା କରିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଆଜି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଟକଟା ଥାନାରେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଘର ଗୌଡ଼ ଗାଁରେ ଆସି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସେ ଜାରା କରିବେ। ଜାରା କଲା ପରେ ତାପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହଉଛି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କେସ୍ ପ୍ରଥମ କରି ପୁଲିସ ଆଗେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଗକୁ ଗଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯାହାକି ଏଇଠି କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଖଇରାରୁ ଯାଇ ଏସ୍ଏମ୍ଙ୍କର ବାପା ଖଇରାରୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 14 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମେ ଏଠି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କାଳେ 15 ଅଗଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଏସ୍ଏଫ୍ଙ୍କର ବାପା ଇଏ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା
ଏଠି ଯାହା ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ମୁଁ କଟକ ଥାନା ପାଖରେ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବସୁଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ପାଲା କେମିତି ଶେଷ ହେଇଥିଲା, କାଲି ଯେତେବେଳେ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଏସ୍ଏଫ୍ଙ୍କର ବାପା ଯାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି କେବଳ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଉଭୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ ଆସି ଆଜି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ମାଧୁରୀ, ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ କେତେ କଣ ହଉଛି, କେତେ ମାର ସତ୍ୟତା ବାହାରୁଛି ନା ସେଇ ଯୋଉ ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଯଦି ତ ଆମେ କହିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ଏଠି ବିତିଗଲାଣି ଘଟଣାରେ, ଯେତିକି ଦିନ ଏଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ଘଟଣାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେତେ ଆଗକୁ ନେବ ଏବଂ ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ କେତେ ଦୂରରେ କାଢିପାରିବ ସେଇଟା କେବଳ ଆମେ ଦେଖିବାର ବାକି ଅଛି। ओके संतोष, आपण जेमिति कहुतिले जे विधानसभा अधिवेशन आजिठु बसिबाकु जाउछि, तो कोटा कोटि ए प्रसंग सामनाकु आसिबो, विरोधी दल मुख्य मुद्दा भाबे मध्य बा मुख्य अभिमुख्य रहिबो विरोधी दलर, तो ये भय घारिला कि क्राइमब्रांच एते विलम्बरे काहेकि विद्याभारतीको जेरा पई कला। तो माधुरी जदि ए कथाकु आमे ए प्रसंगकु जदि आज आलोचना करिबा, जाकि साधारणरे मध्य आलोचना आउछि, जेटा कि विद्याभारतीर निजर बाप घर गाँव गौड़ गाँव में मध्य ए कथा साधारण लोक माने आलोचना करुछन्ते, ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାପ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ଏଠି ଡିଏ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାଇବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରମ ରୂପ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗଜପତିର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଜପତିର ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ରହୁଛି, ଏଠିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ କେତେ ବର୍ଷ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଯିଏ ନେତା ମାନେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କେତେ କାଢିପାରିବ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପାଖରୁ ତାର ସତ୍ୟତା କେତେ କାଢିପାରିବ ସେଇଟା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କପ୍ତିବଧା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରୁ ଏହି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଘଟଣା କାଢିବେ ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ପୁଲିସ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିର, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ପାଇପଲାଇନ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଦେଶର ହିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ ସହ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନ୍ଏଫ୍ପିକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ, ଜବାବ ରଖିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ମୋଦି ସରକାର। ଏନ୍ଏଫ୍ପି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ପାଇପଲାଇନ୍ ଯୋଜନା, ଯାହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତିରେ ଏହାର ବିନିଯୋଗ, ଏଥିପାଇଁ 4 ବର୍ଷର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଲୁଚାଇ ଏବଂ ଚୋରି କାମ କରିବା କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶର ହିତରେ କାମ କରୁଛି ମୋଦି ସରକାର। ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାରି ଜରିଆରେ 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଏହା କେବଳ ବ୍ରାଉନ୍ ଫିଲ୍ଡ ସମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ପୂର୍ବରୁ ନିବେଶ କରାଯାଉଛି। ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରୀରେ ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ ସହ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନୀତି ଆୟୋଗର ସିଇଓ ଅମିତାଭ କାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକାଠି କରିବ କେନ୍ଦ୍ର। 2021-22 ବର୍ଷରେ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ଯୋଜନାରେ 88,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକାଠି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୋଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।